यार डिनर में दाल मूंग है, दाल मूंग है, हल्का फुल्का हम डिनर करेंगे क्योंकि सोना है तो वसीम भाई की है। ये वसीम भाई वसीम भाई यही डाइट हमें समझाते हैं कि नाइट में कम खाएं, ऐसे ही है। ओ ऐसा यार आया क्लिपर केड़ा ओए जी गाइस, आए आपको एक चीज दिखाते हैं हम जिस होटल में हमने स्टे किया हुआ है। ये देखिए मज़ार बिल्कुल सामने है, हमारे होटल के बिल्कुल सामने मज़ार है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। और ये दमदम है, ये दमदम है म्यूज़ियम है मुल्तान का, वो ऊपर ये है। जी जी भाई, वसीम भाई इधर है हमारे, वसीम भाई इधर और भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिस होटल में हमने स्टे किया है तो मैंने अभी दिखाया उनको जी, इसके सामने ये देखो आप वाह दिख रही है मुल्तानी का दरबार है माशाल्लाह। ये देखिए आप, ये बहुत अच्छा व्यू है यार। सुबह सुबह भी टाइम बहुत अच्छा व्यू होता है मगर सुबह हमसे उठा नहीं जाता तो हम रात में ही रुका सकते हैं यार। अभी चलते हैं ऊपर दरबार पे सलाम के लिए, फातह खाने के लिए, और उम्मीद है कि खुदा होगा, बाकी देखते हैं कि खुदा कि नहीं खुदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं, वसीम भाई बताएंगे आज आप किधर जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं जलालपुर, कौन सा? पीर वाला में। तो अभी हमें नहीं पता कि गाड़ी कहाँ से मिलेगी, इंशाल्लाह आज आपको उधर की सुगात जो है, कल हम आपने पेड़े करवाए थे खानपुर के पेड़े, आज उधर की जाके सुगात आपको टेस्ट करवाते हैं। है क्या वैसे? कुछ भी चल के देखते हैं ना कौन सी सुगात है। अभी हमें गाड़ी का भी नहीं पता कहाँ से मिलनी है कहाँ से नहीं मिलनी, किसी रिक्शे वाले से पूछते हैं। एक तो सुगात होती है, दूसरा सरप्राइज होता है हमारा उधर का। तो सबसे पहले तो दुआ करें कि हमें कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए और हम खैरियत से पीर वाला पहुँच जाए। चलें, ये हमने ऑटो पकड़ ली है और बिहारी चौक जा रहे हैं। अभी हम बिहारी चौक से ये अंकल बता रहे हैं कि मिलेगी गाड़ी आपको, तो अभी हम बिहारी चौक के लिए रवाना हो चुके हैं। 229 ये हमें गाड़ी मिल गई है जलालपुर की, अभी गाड़ी खाली है, थोड़ी देर तक भरती है फिर हम निकलेंगे जलालपुर के लिए। वही काम हुआ जिसका डर था। भाई बताओ आप जरा, गाड़ी वाला क्या क्या के ले गया है? ये जलालपुर जा रहे हैं, अभी शुजाबाद उतार दिया है यहाँ पे, अभी यहाँ से गाड़ी चेंज करवा दी है, अभी इस गाड़ी में हम यर्के हुए हैं। ये गाड़ी अभी भी खाली पड़ी है, ये देखें फुल खाली है, अभी देखो कब भरेगी और कब अब निकलेंगे आगे जलालपुर के लिए। ले जी अभी हम रवाना हो गए हैं जलालपुर के लिए, गाड़ी खाली है तो खाली गाड़ी चला दी है, अभी जलील ना करें हमें आगे। यार ये गाड़ी वाले बहुत जलील कर रहे हैं, गाड़ी फिर खाली हो गई है, थोड़ा सा आगे चलाई है उसने। ये बड़ी गंदा सराउंडिंग है यार इधर के, मतलब ये गाड़ियाँ इधर भी लगी हैं मुल्तान से जो आई हैं जलालपुर जाने वाली, ये भी खाली खड़ी हैं, पता नहीं क्या बनेगा। और हमारे बशिंदों को भूख लगी है तो नाश्ता भी नहीं हमने किया। ये देखिए क्या खा रहे हैं, ये चने सुबह से यरका रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ क्या कह रहे हो? मज़ेदार भी है और स्पाइसी भी है। तो ना खाओ ना खाली पेट, मान जाओ मेरी बात। भूख लगी है, आपने सुबह सुबह भगा दी है, नाश्ता भी नहीं करवाया यार। अभी उधर चल के करते हैं हम नाश्ता, बस पहुंच जाए पहले। मर्जी है यार आपकी। यार पहले ये दुआ करो कि हम खैरियत से पहुंच जाए, मुझे नहीं लग रहा कि ये आज हमें लेके जाएंगे खाली गाड़ी। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस पहुंच के फिर नाश्ता करवाता हूँ आपको मैं। जी गाइस हम खैरियत से यहाँ पे पहुँच चुके हैं जलालपुर, सफ़र हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ार, बहुत ज़्यादा मज़ार रहा। तीन दो गाड़ियाँ चेंज की, बहुत जलील प्रोग्राम हो गया, हम 3.5 घंटे में यहाँ तक पहुँचे हैं जो कि 1 घंटे का सफ़र था। तो कुछ टाइम पहले हम यहाँ पहुँच चुके थे, अभी हमने जो अपना काम करना था हम कर चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, अभी हम जाएँगे मोटरवे से। हमें आइडिया नहीं था कि मोटरवे से भी गाड़ियाँ आती हैं सी पैक से। अभी हम मोटरवे से आएंगे और इंशाल्लाह 1 घंटे में मुल्तान पहुँच जाएंगे। आए जी टिकट वगैरह लेते हैं और फिर निकलते हैं मुल्तान के लिए। ओके जी, हम मदीना फ्लाइंग कोच की तरफ से रवाना हो चुके हैं मुल्तान के लिए। हमें गाड़ी हमें मिल चुकी है आगे वाली फ्रंट से, सी पैक से हम जा रहे हैं मोटरवे से। ये टूल प्लाजा आ गया है जलालपुर वाला,
जी हम मुल्तान पहुँच चुके हैं अलहमदिल्ला खैरियत से रिहाड़ी चौक। अभी हम मोटरवे से आए हैं, सफ़र हमारा तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट में कम्प्लीट हो गया, जो कि हमने इससे पहले 4 घंटे में पूरा किया था, 3.5-4 घंटे में। अभी हमने ऑटो बुक करवा लिया, तो अभी हम जा रहे हैं घंटाघर, ऑटो चलते हैं, कुछ टाइम स्टे मारेंगे, उसके बाद फिर डिनर शिनर करते हैं, फिर बाहर आएँगे डिनर करने के लिए। होती है डिनर में मुलाकात। जी अभी हम घंटाघर में पहुंच चुके हैं, और होटल जाने से पहले हमारा प्लान बन गया जी मौसमी का जूस पीते हैं। तो ये भाई हमारे लिए मौसमी का जूस तैयार कर रहे हैं, और ये वसीम भाई हमारे बैठे हैं। नहीं पीना चल, ये जो है ना जूस पिया जा रहा है वैस भाई, जिस किस्म का ये खा रहे हैं। और ये भाई ये देखें इस तरह का ताज़ा बन रहा है। गाइस वसीम भाई का ना कोई भी चीज़ थोड़ी से ना मन नहीं पड़ता, दिल नहीं पड़ता, ये दूसरा गिलास गिरका रहे हैं, ये देखें ऐसे ही है ना, एक गिलास से नहीं, ये इनका ना पेट फुल होता है ना नजरें फुल होती हैं। और अभी हम भी दूसरा गिलास बनवा रहे हैं, हाफ हाफ है भी दस। जी गाइस हम होटल में पहुंच चुके हैं खैरियत से, हमने चेंज वगैरह कर लिया, फ्रेश हो गया, कुछ टाइम हमने रेस्ट कर लिया, लेट लिया था, रेस्ट मार लिया, ठीक है। और ये हमारे भाई को सर्दी लग रही है, इनको थोड़ा सा फेवर हुआ, बड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो इन्होंने दो शर्टें पहन ली, इसीलिए मैंने कहा भाई एहतियात करो, एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम भाई जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो देखते हैं कि डिनर में हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। वसीम भाई दो ही काम है, एक ज़्यादा खाना और ज़्यादा वाशरूम यूज़ करना। ये देखिए अभी भी वाशरूम नहीं है। जी गाइस आए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हम जिस होटल में हमने स्टे किया हुआ है, ये देखिए मज़ार बिल्कुल सामने है, हमारे होटल के बिल्कुल सामने मज़ार है, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। और ये दमदम है, ये दमदम है, म्यूज़ियम है मुल्तान का, वो ऊपर ये है। जी जी भाई वसीम भाई इधर है, हमारे वसीम भाई इधर और भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिस होटल में हमने स्टे किया है, तो मैंने अभी दिखाया उनको जी, उसके सामने ये तो आप वहाँ दिख रही है मुल्तानी का दरबार है माशाल्लाह, ये देखें आप, ये बहुत अच्छा व्यू है यार। सुबह 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 भी टाइम बहुत अच्छा व्यू होता है, मगर सुबह हमसे उठा नहीं आता, तो हम रात में ही रुका सकते हैं यार। अभी चलते हैं ऊपर दरबार पर सलाम के लिए, फातह खाने के लिए, और उम्मीद है कि खुदा होगा, बाकी देखते हैं कि खुदा कि नहीं खुदा। जी गाइस अभी हम मज़ार की तरफ जा रहे हैं, तो ये अभी हम एंटर हो रहे हैं, चढ़ाई ऊपर को चढ़ रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह बाहर से व्यू है मज़ार का, शाह रुकने आलम भाई बाबुद्दीन ज़िक्रे मुल्तानी का मज़ार इससे भी आ गया, वो हमें और मज़ीद पैदल इससे भी मज़ीद आगे पैदल हमें चल के जाना पड़ेगा, वो आगे है। आप नहीं आए हो पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम। वसीम भाई को तो मैं लास्ट टाइम भी लेके आया था, आज रश नहीं है, कम लोग हैं, जुमेरात को ज़्यादा रश होता है, मेरा ख्याल है कि बंद कर दिया शायद उन्होंने, चलें देखते हैं। ये हम मज़ार में एंटर हो रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जूते जमा करवाएंगे, फिर आगे जाएंगे। माशाल्लाह जी ये अंदर से व्यू मज़ार का, गाइस आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखें अभी हम मज़ार पे आए हैं, अभी हम मज़ार पे आए हैं, या हमारे बैक पे मज़ार देख सकते हैं फातह खाने के लिए। वसीम भाई ने उधर भी 2 मिनट में फातह खाने किया, जल्दी जल्दी बाहर आ गए हैं, और ये देखें अभी भी कॉल पे लगे हुए हैं। ये पता नहीं इस भाई का हमारे का क्या बनेगा, अल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक इनको भी हदायत दे और हमें भी हदायत दे। अभी ये देखें मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। और वसीम भाई मुझे कह रहे थे कि जो लोग मुझे थोड़ा सा अच्छा समझते हैं, मेरी मतलब वीडियोस में मुझे देखते हैं, मुझे अच्छा समझते हैं, वो भी कहेंगे कि यार वसीम भाई ऐसे हैं,
वसीम भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लोग आपको अच्छा ही समझेंगे, बुरा कोई भी नहीं समझेगा। हाथ हिला दो जरा, आपको सब अच्छा ही समझेंगे, कोई भी बुरा। वसीम भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, माइंड नहीं करना, बहुत अच्छे हैं। वसीम भाई किधर लेके जा रहे हो अभी हमें? भाई जब लेके जा रहे हैं वो हाउलन जिक्रिया मुल्तानी के दरबार पे। अच्छा इधर आ गई है हमारी, तो इधर सलाम किया, कुछ सुकून मिला? सुकून अल्हम्दुलिल्लाह फाता नहीं कहते हैं तो सुकून होता है उनकी रूह को। सही हो गया, सही हो गया। चलें अभी हम जा रहे हैं जी बहाउद्दीन जक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के मज़ार पे, वो देखें बिल्कुल सामने हमारे मुल्तान को, मुल्तान को औलिया अल्लाह का शहर कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हस्ती हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह का मज़ार भी है, कल टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह और कल उधर हाज़िरी देंगे, बाकी जैसे खुदा को मंजूर। ठीक है भाई, चलेंगे। ये मज़ार के दूध में हम एंटर हो चुके हैं और ये एक इधर पानी वाली खुई टाइप है, अभी अंदर वो अंदर लोग पैसे वगैरह फेंकते हैं, अभी लाइट कम है, नहीं सही से दिखाई दे पा रहा। चलो अंदर चले यार मज़ार के। ये बाई से व्यू है मज़ार का, अब्दुल्ला शाह बहुत सॉरी बहाउद्दीन जक्रिया मुल्तानी का मज़ार है अंदर से। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों मज़ारों पे फातह खानी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सुकून मिला, दिली सुकून मिला। और क्या नाम है, फरीद भाई फर्स्ट टाइम आए हैं इधर, फरीद भाई को की विश थी, ख्वाहिश थी कि यार मैंने जाना है, तो फिर आज टाइम मैनेज हुआ तो मैं इनको लेके आया हूँ। वसीम भाई तो ऑलरेडी भी आए हैं पहले भी, ऐसे ही है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो फरीद भाई को अभी लेके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम जा रहे हैं कुछ डिनर वगैरह करते हैं और फिर होटल में हम रुकेंगे, फिर वहाँ पे चल के ना फिर ब्लॉग को क्लोज करेंगे रूम पहुँच के। अभी डिनर के लिए देखते हैं क्या मूड आया डिनर का। लाइट सा हो जाए। क्या ख्याल है वसीम भाई आपका? खाना खा के सोएंगे। खाना 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 है। चलें जी देखते हैं। आए यार डिनर में दाल मूंग है जी। दाल मूंग है, हल्का फुल्का हम डिनर करेंगे क्योंकि सोना है, तो वसीम भाई की ये वसीम भाई वसीम भाई यही डाइट हमें समझाते हैं कि नाइट में कम खाएं, ऐसे ही है। और तो याद आया क्लिप जी। डिनर के बाद अभी हमने लिया है बनानास, अंगूर, लंगूर, अंगूर बहुत अच्छा है और बहुत मीठा है, टेस्ट करके लिया हमने, और उसके बाद टमाटर लिए हैं जापानी फल जो कि वसीम भाई के फेवरेट है, ऐसे ही है? बिल्कुल जापानी फेवरेट है आपके? बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे। चलो जी, और जी गाइस अभी हम ये फल एंजॉय करते हैं रूम में और यहाँ पे ब्लॉग को करते हैं क्लोज, सुबह होगी नए ब्लॉग में मुलाकात। ओके अल्लाह हाफिज़।